गुड मॉर्निंग विद सभी का, ये है किचन और मेरे साथ है शेफ राहीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करो, चूम लूं तुम्हारे हाथ, इतना जायका है इसमें, मैं क्या करूं। यस, अच्छा जी, इनकी आज जबरदस्त देगी चिकन कोरमा बन रहा है। बड़ा होता है कि यार, ये हम लोग इतनी कोशिश करते हैं कि जो रेस्टोरेंट में या जो शादियों में जो बिरयानी बनती है या कोरमा बनता है, मगर हम घर में बनाना काफ़ी ट्राई करते हैं, मतलब हमसे बनता नहीं। आज देखते हैं ये शेफ राहीला कैसे बनाती हैं। यार लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट जी। चिकन कोरमा, चिकन कोरमा में जो अज्जा इस्तेमाल हो रहे हैं, ओके, उसमें है लौंग, इलायची, गुड, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये घर का बना हुआ बहुत ही जबरदस्त कोरमा मसाला है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर अभी जब तक दो मिनट जब लगेंगे ना, फिर हम इसके फिर बताते रहेंगे। ठीक है। लाल मिर्च है, हल्दी है, ठीक है, धनिया पाउडर है, नमक है, ठीक है, ठीक है, दही ऐड होगा इसमें, और एंड में जो होगा वो लाल प्याज होगी। अच्छा, मैंने इसको चख लिया ब्राउन शुगर समझ के, जब मैंने मुंह में डाला मैंने कहा ये तो प्याज है, लाल प्याज, बहुत जबरदस्त। हाफ के जी चिकन और ऑयल, ऑयल है, ठीक है जी। अब इसको बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग। फ्लेम को और फास्ट करना है या नहीं करना है? जी बिल्कुल फास्ट करेंगे। ओके, इसको और हम जरा सा तेज कर लेते हैं। तो इसमें क्यों नहीं किया, इस वाले फ्लेम यूज क्यों नहीं किया, उस पर क्यों चली गई हूँ? ये क्या बात है लड़की, इसको क्यों नहीं यूज किया? वजह स्टोव सही है। अच्छा चलें, ठीक, ये ज्यादा इनको लग रहा फ्लेम ज्यादा। अच्छा जी, हम ओके, सबसे पहले ऑयल, हमने शेफ राहीला की बात सुन ली। अच्छा जी, ये जब तक सबसे पहले इसमें बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, और बिल्कुल ये पिसा हुआ जो है प्याज है, पहले से इन्होंने ब्राउन किया हुआ है, और योगर्ट, दही है, बहुत अच्छा जबरदस्त, लहसुन अदरक का पेस्ट एंड सूखा धनिया, हल्दी, पीसे हुए मिर्च एंड नमक, और इनका ये स्पेशल मसाला। इसके बारे में जब चिकन हो रही होगी तो हम इसके बारे में ऑफ कोर्स पूछेंगे इसमें कौन कौन से मसाले। यस, हमने सबसे पहले क्या ऐड करना चाहता? सबसे पहले हम चिकन ऐड करेंगे ताकि इसका, अच्छा इसमें ऑयल थोड़ा ज्यादा ऐड होता है, वही मैं देख रही हूं, कोरमा हां होता है, होता है। ओके ओके। अच्छा जी, सबसे पहले इन्होंने इसमें चिकन ऐड कर लिया है ताकि इसका जो है वो पानी वानी जो हम समझते हैं कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा नमक थोड़ा सा डाल दूं? बिल्कुल ताकि ये चिनन मिनन कुनन मुनन ना कर दे। ओके ओके, दैट्स गुड। ओके गुड, क्योंकि पानी से हम लोग जरा निकालते हैं ना तो ऑयल में जरा शोर मचाती है भी चिकन भी। ओके, डन हो गया। अच्छा जी, चिकन को इतनी देर बस हम फ्राई करेंगे कि सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, ये देगी कोरमा हम कह सकते हैं इसको? बिल्कुल, ये देगी कोरमा होगा और okay. दानेदार होगा, जैसे कि शादियों वाला कोरमा कहलाता है। ओके okay. बिल्कुल, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद तो आप उसमें अपनी डिश का नाम देगी कोरमा लिख देते हैं। जी बिल्कुल, देगी कोरमा ही। अच्छा ओके, ये डिश का नाम ना देगी कोरमा लिखिएगा, ताकि लोग जब नेट पे सर्च करें गुड मॉर्निंग विद सभी में देगी कोरमा जो है ना एकदम ठक से निकला, और शेफ राहीला आज इसके ऊपर क्या बात है, मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी कि जब लोग देगी कोरमा लिखेंगे तो शेफ राहीला की देगी कोरमा सबसे फ्रंट पे आ जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू, पता ही है, तो आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है, जो शायद इसमें सारे जायके आ जाते हैं। ये बात भी सही है यार, और जो है शेफ राहीला बहुत जबरदस्त खाने बनाती है, और इनका जो है ये देखें जी क्या बात। अच्छा, इनके हस्बैंड भी बड़े अच्छे शेफ हैं, किसी दिन भाई साहब को भी मौका दूंगी, और फिर आपकी छुट्टी होगी, फिर आप वहाँ पे बैठ के देखिएगा, ये सोच लेना। तकरीबन सारा काम पहले मुझसे करवा देंगे। चलिए दोनों को ज्वाइन कर, जैसे मैं अभी उनसे जब आती हूँ तो मैं काफी हद तक उनसे ही सारा काम करवा। अच्छा जी, इसके बाद क्या ऐड हो रहा है चिकन के बाद? अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं, पेस्ट, और क्विकली बन रहा है, देखें जरा क्या बात है, चिकन तो वैसे ही जल्दी गल जाती है यार। और अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो घर में जब हम लोग बनाते हैं हम लोग तो उसमें चम्मच वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, अब मेरी जो आदत हो गई है ना वो हाथ की हो गई है कि मैं समझ रही हूँ हाथ के यूज़ करने, तो बस वो, और एक पता भी चल गया है कि इतना ही निजाम जाना है सामान। सच बताऊँ कि ये मेजरिंग जो करते हैं वो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जो यूज टू होते हैं घर में खवातीन क्विकली जो खाना वगैरह बनाती हैं उनका वही तरीका कार होता है, और जस्ट मेरे साथ भी ऐसे ही कि मैं अभी ढक्कन में यूं डाल देती हूँ, अंदाजे से डाल देती हूँ, तो अच्छा, जब तक ये चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट
थोड़ा सा बनाई हो रहा है तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं वो जो आप दही के अंदर, ये हमारे घर का मसाला है, कौरमा मसाला, ये इंशाल्लाह जितनी देर में, इसका नाम है सरप्राइजली मसाला, सरप्राइजली मसाला, कौरमा सरप्राइजली मसाला। आप कह रही थी ना कि इंग्रेडिएंट्स कम है, कम नहीं है क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें, सभी उल्टा कर दो, सारी मेहनत इसमें होगी तो इस वजह से दूसरे मसाले आपको कम लग रहे हैं। ठीक है, अब हमने हल्दी ऐड कर दी। नहीं, कहने का मकसद है कि रेगुलर ये घर में मौजूद है। बिल्कुल, गुड हो गया। लाल मिर्च हमने ऐड कर दी। जी नाजी, गौर से देखें कैसे इनके पीसे हुए मिर्चे हैं, हल्दी और टमाटर। ओके जी, अच्छा, अच्छे से हमने इसको, और सूखा धनिया, उससे जरा ग्रेवी अच्छी बन जाती। ये लाओ मुझे दो, जब तक आप चिकन देखो। ठीक, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और इन्होंने इसके अंदर अभी ऐड कर लिए क्या अपने इलायची और जिसमें से ये दो खा चुकी हैं और मुझे भी ऑफर करी थी आप भी मुंह में डाल लो, तो मैंने कहा नहीं, तो फिर ये पता क्या चलेगा, पता है सही। वो कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया और हरी इलायची, अगर किस हुकूमत को पता चल गया ना कि तुम बहुत खाती हो तो ये भी महंगा हो जाएगा। अच्छा, मैं पता थी गौर से सुन रही थी, मैंने कहा कोई इसकी कोई टिप होगी, कोई टिप नहीं है ये। वैसे एक बात बताऊँ, आप ना सौंफ का पानी पिया करो, अजवाइन का पानी पिया करो, थोड़ी आपकी ना जिस्म का जो वर्म है ना वो खत्म। मैं वो भी खाती पीती हूँ बहुत। तो आप क्या पता क्या करती, जो अपने हाथ के खाने बनाती हूँ ना वो फिर खुद खाना शुरू कर देती हूँ, बिरयानी। नहीं, मैं नहीं खाती ये बात, मैं नहीं खा पाती। खुशबू से पेट भर रहा है, खुशबू से पेट भर जाता। अच्छा, नहीं जरा क्विकली नेक्स्ट जल्दी करो। अब ये जो हमने बस मसाला है, क्या भाई, ये हमने क्विकली हो गया, सब ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक बरकत दे आमीन हमारे खानों में, हमारे जायकों में। बिस्मिल्लाह पढ़ के डाला करें, अल्लाह पाक आप लोगों के रिस्क में भी बरकत अता फरमाए सबके घरों में। और ये हमने दही ऐड कर लिया है और कितना क्विकली बना है, यकीन करें आप लोग, एकदम कोरमा नाम सुन के ना। इसमें थोड़ा पानी ऐड करके निकाल दूं? जी बिल्कुल, बिल्कुल थोड़ा माइनर सा, बिल्कुल। ये जरा हॉट है ना, वो ज़रा सही, वो ठंडा है ना, यस माइनर सा, क्योंकि ये जो इसके बराबर, क्योंकि इसका मसाला बड़ा ज़बरदस्त है जो इन्होंने होममेड बनाया है, तो वो जो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उसको कहीं फेंकूँ। ओके, ये देखो बिल्कुल, इफ़ यू डोंट माइंड, गुड हो गया, बिल्कुल चले जी, दैट्स गुड। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम जो ये कब डालेंगे, ये एंड में थोड़ा सा डालेगा। ओके, ऐड करेंगे जो इसकी जो जान है ना वो अदरक है। अच्छा। देगी कोरमा की जो जान है ना वो अदरक है। गुड, अब बस हम इसको कितनी देर रखेंगे, मैक्सिमम 2-3। चलो मुझे रेसिपी बताओ, 2-3 मिनट। इसमें जो सॉरी वो तो मसाला हम ऐड कर चुके हैं, आप बताओ ना ऐसे ना। इसमें जो मसाला है वो है सुर्ख मिर्च, बड़ी मिर्च, और बड़ी कौन सी है जो गरम मसाले में, नहीं लाल आती है, तलहार मिर्च है, लाल तलहार मिर्च और क्या कहा, सुर्ख मिर्च, लाहौरी नमक, धनिया, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, कचरी पाउडर, तेज पात, काली मिर्च, छोटी इलायची, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर और नेचुरल फूड कलर। ये कम से कम 14 इंग्रेडिएंट्स आपने बताए। जी बिल्कुल, 14 इंग्रेडिएंट्स बताएं और ये इतना ज़बरदस्त बनता है। या तो आप ये सब सामान लेकर बाहर से ग्राइंड करवा लें या फिर घर में खूब मेहनत करें, क्योंकि ये कम और बेश अगर हम 1 kg या 2 kg का ही बनाते हैं ये मसाला, तो हमें कम और बेश 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि उसे बार बार हमने जो है बिल्कुल छन्नी से बिल्कुल बारीक पेस्ट पाउडर निकाल कर फिर उसको ऐड करना, फिर पाउडर निकाल कर फिर उसको ऐड करना, तो टाइम लगता है, मगर जायका बड़ा शानदार आता है इसका, कौरमे मसाले का। क्या बात है। बिरयानी मसाला भी इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट वीक में बिरयानी भी बनाने का इरादा क्या है, तो इंशाल्लाह बिरयानी मसाला भी जो मैं खुद घर में बनाती हूँ वो भी आप लोगों को जरूर बताऊँ। क्या बात है, चले चंदा दो, बस हमारे पास थोड़ा मिनट कम हो गया, तो जैसे क्विकली हम इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें ला मुझे तो हो गया होगा, डन हो गया। अच्छा, ये क्या चीज आपने बताई थी, ये केवड़ा है, केवड़ा, और ये कौन कौन सी चीजें रह गई, लाल प्याज और ये गार्निशिंग के लिए हमारे पास ये दो चीजें अभी रह गई हैं, हम इसको फौरन ऐड करते हैं और इससे क्या होगा, इसमें थिकनेस आ जाएगी बिल्कुल, और एक जायका भी आएगा और एक कलर भी आएगा, कलर भी आएगा एंड जायका। ये धनिया ग्रीन क्यों नहीं लाई, बिल्कुल भी इसकी देगी कौरमा में ना धनिया इस्तेमाल होता है। अच्छा, गार्निशिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना इसमें कड़ी पत्ता यूज होगा। ओके,
और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अदरक अदरक होती है, काशी बनाई हुई इन्होंने पहले से। ओके गुड है, वाओ वाओ जबरदस्त जबरदस्त। ओके देखें जी थिकनेस कितनी जल्दी आई है इसके अंदर, और ये जो थोड़ा लाइट हल्की करनी पड़ेगी जी, थोड़ी सी मैं थोड़ी सी इसको हम थोड़ा सा फ्लेम को हल्का कर लें ताकि इसको, हाँ ओके ठीक है, यस क्विकली क्विकली हो गया। पानी बिल्कुल इन्होंने ऐड नहीं किया, आप नोट करें बिल्कुल थोड़ा सा ऐड हम करेंगे ताकि ऑयल ये गर्म पानी, ये गर्म पानी आपने स्पेशल मंगवाया था, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना कीजिएगा, ठंडे पानी से ही होता है कि चिकन हार्ड हो जाता है। ओके ठीक है, चाहे चिकन हो चाहे बीफ हो वो हार्ड हो जाएगा। यस दैट्स गुड। ओके यस ओके नाज़िम देखें जी जरा सा रह गया बस विद इन अ वन मिनट हम इसको क्लोजिंग की जानिब लेके चलते हैं। वाओ अच्छा इसका फिर ऑयल ऊपर आ जाता है किसी दिन? बस ये फ्यू मिनट्स में ही आ जाएगा, बस हमने केवड़ा इसमें ऐड कर देना है। ओके नाज़िम हमने इन्होंने जो इसका स्पेशल, जब मैंने ये कहा कि ये थोड़े मुख्तसर से मसाले हैं लेकिन बकौल इनके के सभी जो इसके अंदर जो मेरा घर का होम मेड मसाला है वो इसकी वजह से इसके अंदर देगी कोरमे का जायका और मजा आए। ठीक है ये से भी आप देख सकते हैं, अब इसको छोड़ दो, मेरे कहा ऑयल आ रहा है ऊपर और हम इसको इसी पे गार्निश, ये आपने सब इसमें केवड़ा भी ऐड कर लिया है और बहुत जबरदस्त हम इसको, यस गुड हो गया जी जबरदस्त दैट्स गुड। ये सब चीजें वहां से हम थोड़ी देर इसको पिक्चर प्रोफाइल में कर दें थोड़े, फिर इसको दोबारा आप रख लीजिएगा जी नाज़िम, इसको मजीद 5-10 मिनट आपने पकाना है, लेकिन हम इसको आपका थोड़ा एंड का लुक दिखा देते हैं तो आप इसको देख लें। एंड शेफ राहिला थैंक यू सो मच मेरी जान। तो नाज़िम इसको हमने फिलहाल आपके लिए जो है ये मेंशन किया है कि आप देख लें देगी कोरमा इस तरह होता है, और देखिए खुद ब खुद ऑयल ऊपर आ रहा है, सिर्फ इसको भी इन्होंने 5 मिनट, क्योंकि चिकन तो फौरन गल जाती है तो इसको 5 मिनट और पकाएंगे। एंड थैंक यू अगेन, बहुत शुक्रिया जी नाज़िम, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।